इसी कार्यक्रम में अब हमारे साथ जो चुके हैं, जिनकी वजह से यह पूरा कार्यक्रम होता है, यानी कि प्रयागराज के अंदर की जो भी दुर्गा पूजा पंडाल हैं, प्रतिमाएं हैं, उनको सम्मानित किया जाता है, संजय गोस्वामी जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के विषय में, किस तरीके से करते हैं आप? देखिए, इस कार्यक्रम में मैं विगत 7-8 वर्षों से जुड़ा हूँ और मैंने ये अनुभव किया है कि ये इलाहाबाद में एक तरीके का नया कार्यक्रम, नए तरीके का एक कार्यक्रम है जिसको हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात ये कि इलाहाबाद शहर के दुर्गा पूजा को मानने वाले, माँ दुर्गा को क्या कहते हैं करने वाले, पूजा करने वाले सभी लोग इसमें रहते हैं और सभी लोग क्या बंगाली क्या गैर बंगाली सारे लोग हिंदू मुस्लिम सब इसमें इकट्ठा होते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी जब ताजिया और दुर्गा पूजा क्लैश होता है तो ताजिया वालों को भी हम लोग बुला के यहाँ पे सम्मानित करते हैं, क्योंकि वो कभी कभी ताजिया नहीं निकालते हैं। तो इस तरीके हम लोगों ने इस भाईचारा बनाने के लिए इसको बहुत मतलब सुसज्जित किया है और कोशिश ये रहती है कि हर साल बढ़ चल के इसको करते रहें और अच्छे से अच्छा अनुभव हम लोग को मिलता है। साथ ही जो दुर्गा पूजा करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है और उसको एक एक कंपटीशन होने के नाते हम लोग इधर देख रहे हैं कि शायद निश्चित तौर पर कलकत्ता के बाद इलाहाबाद की दुर्गा पूजा है जिसके जो क्या कहते हैं मशहूर है। इस बात को मैं इसके लिए मैं बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ। मैं प्रयाग की नगरी में रहता हूँ और ये पूजा हमारे सभी भाइयों के साथ उसमें होता है और पुरस्कार वितरण का खासकर जो दादा हमारे पीके राय जी हैं और भैया सब लोग जितने भी लोग हैं सब मिल के हम लोग करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और हम लोग इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे और इसको बहुत ऊँचाइयों तक ले जाने की हमारी वो है। धन्यवाद संजय गोस्वामी, समाज सेवी। संजय गोस्वामी साहब हमारे साथ दादा जुड़ चुके हैं, सबसे पहले इनका परिचय जान लेते हैं आपका नाम। मैं एडवोकेट उत्तम कुमार बैनर्जी, मंडल सचिव प्रयाग इलाहाबाद दुर्गा पूजा समिति। दादा, किस तरीके से चुनाव करते हैं, क्योंकि साल भर की बहुत मेहनत होती है, इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो गई जी, तो किन किन बातों को रख के चुनाव? आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया बारिश पे, क्योंकि इलाहाबाद दुर्गा पूजा समिति जो बनी उसका इतिहास ही यही है कि जब ये हुआ कि इसका विसर्जन पहले होता था डॉक्टर पी के रॉय साहब के नेतृत्व में सरस्वती घाट पे, और वो प्रशासन ने चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश था, एनजीटी का एक गाइडलाइन था, तो उसी पर इलाहाबाद दुर्गा पूजा समिति बना कि हमें एक सम्मानित जगह पर माँ का विसर्जन भी चूंकि पूजा का ही एक अंग है तो हमें उसी सम्मान के साथ इसका विसर्जन होगा। और उसके बाद जब ये दुर्गा पूजा समिति बना उसमें हमारे तरफ से बहुत सारे अब सेगमेंट हैं, जैसे हमारे यहाँ इस बार हम जितने भी दुर्गा पूजा बारवारी हैं उसमें सचिव रहे हैं लोग, और सचिव न रहने के बावजूद नए नए लड़के आ गए हैं, अभी भी वो अपने अपने दुर्गा पूजा से जुड़े हुए हैं। उसके बाद जो धुनुषी नाच आप लोग जानते हैं, ये एक दुर्गा पूजा का अंग है। इस बार हमने उसमें एक इंट्रोड्यूस किया है कि जो अच्छे धुनुषी नाच किए हैं उनको जो फेसबुक में देखा है तो इसलिए हमने रूमा मंडल अवार्ड से उसको नाम दिया है। जो मातृसेवक हैं जैसे प्रदीप दत्ता जी हैं, आप लोग 2500 साल से अपने दुर्गा पूजा में जुड़े हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमने उगते सूरज को प्रणाम किया है, जिन लोगों ने आज इस दुर्गा पूजा को इस स्तर पर प्रयागराज में पहुंचाया है, हमारा प्रयास है इलाहाबाद दुर्गा पूजा समिति का, हम उनको भी आगे। धन्यवाद सर। प्रदीप दत्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर से हम बात करना चाहेंगे क्योंकि 25 साल से जुड़े हुए हैं दुर्गा पूजा से जुड़े हुए हैं, तो क्या बताना चाहेंगे प्रयागराज की दुर्गा पूजा के विषय में? सर, एक्चुअली ये जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है जी, आज जिस मंच में हम लोग हैं जी, ये पहले बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन करता था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आज से 3 साल पहले ये बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन के साथ इलाहाबाद दुर्गा पूजा समिति के साथ ये ऐड हुआ है। तो इलाहाबाद दुर्गा पूजा समिति में पूरा इलाहाबाद का जितना भी दुर्गा पूजा, तो अब ये खाली एक कम्युनिटी का नहीं रहेगा, इलाहाबाद बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन नहीं रहेगा। तो अब 25 साल की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम जिस दुर्गा पूजा कमेटी से जुड़े हैं वहाँ का फाउंडर मेंबर है, तब से अभी तो जुड़े हुए हैं। बाकी जो इलाहाबाद का और भी दुर्गा पूजा है उसमें भी हम लोगों का फुल कोऑपरेशन रहता है, हम लोग उत्साहित करना चाहता हूँ लोगों को, नया नया चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि कैसे लोगों को उत्साह बढ़ाया जाए, तो इसी उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं।